अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसा ज़बरदस्त चूल्हा बनाना सिखाएंगे जिसमें ना सिर्फ आपको लकड़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही गैस ना ही कोला, बल्कि हम इसको यूज़ ऑयल जो वेस्ट ऑयल होता है जो आप गाड़ियों से मोटरसाइकिल से जो रिसाइकल से निकालते हैं चेंज करते हैं उसी से हम ये चूल्हा बनाएंगे। जैसे आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं और गैस की भी बहुत ज़्यादा बंदिश है और लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा महंगा है। इस वजह से जब भी आप ऑयल चेंज करवाते हैं तो आप वो मोटरसाइकिल का ऑयल उधर ही मिस्त्री के साथ छोड़ देते हैं। और इस ऑयल को यूज़ करके हम एक ज़बरदस्त चूल्हा बनाना सिखाएंगे जिसे आप भी बना सकते हैं। चलिए आपको ये बनाना सिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, यूज़ ऑयल का चूल्हा बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने एक पाइप ले लिया है जिसका डायमीटर 2 इंच है और तकरीबन इसकी जो लेंथ है मैंने 10 सेंटीमीटर के हिसाब से ले ली है। उसके बाद मैंने एक होलसा ले लिया है और ये जॉइंट के तौर पर काम करेगा, ये पैंप दो पैंप आपस में जोड़े रखेगा। उसके बाद मैंने एक पैंप ले लिया है, दरअसल दोस्तों ये पैंप नहीं है, एक चेयर की टांग है जो मैंने ले ली है, इसको हम पैंप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो हमने जॉइंट ले लिया था इसके ऊपर लगा के, और दूसरा जो हमारे पास पैंप था इस लोहे का उस पर हम जॉइंट कर देंगे। और मैंने एक खाली सा बॉक्स ले लिया है और ये मेटल का बना हुआ है, आप डब्बा जो भी ले सकते हैं, आपके पास जो मौजूद है वो ले सकते हैं, मेरे पास ये था मैंने ले लिया। अच्छा दोस्तों, इस पैंप पर हम ये जॉइंट इस पर वेल्डिंग कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, मैंने जॉइंट और पाइप को दोनों को अच्छी तरह वेल्डिंग कर लिया है। वेल्डिंग बिल्कुल परफेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें कोई लीकेज नहीं हो। इसके बाद मैंने एक मेटल का पीस ले लिया है और इसकी जो मोटाई है तकरीबन 1 mm के हिसाब से मैंने ले ली है। इस पाइप के मैंने 2 छोटे-छोटे टुकड़े काट लिए हैं और जो हमने पाइप है इस पर हम एंड कैप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसको देखें, दोनों साइड में इसमें वेल्डिंग कर देता हूं। देखिए मैंने इसमें वेल्डिंग कर लिया है और इसको मैंने टी की शेप दे दी है। अगर आप वेल्डिंग नहीं करना चाहते, आपको इस तरह टी भी मिल जाएगा, इधर पैम मिलते हैं उधर से आप ले सकते हैं, इसकी रेट तकरीबन 200 होता है। इसके बाद मैं इसमें मार्क कर लेता हूं, जितने भी मुझे होल चाहिए उससे सबसे मैं इसमें मार्क कर दूंगा और उसके बाद मैं इसमें होल कर देता हूं। अच्छा दोस्तों, मैंने इसमें होल कर दिए और होल मैंने कुछ इस तरह किए, 3 ऊपर की साइड किए और जो एक नीचे जाएगा उसमें कुछ होल नहीं है, और जो साइडों में होल किए ना मैंने 13 होल किए दोनों साइड। मैंने देखे एक साइड भी मैंने 13 होल किए और दूसरी साइड भी मैंने 13 होल किए, और मैंने बारीक बर्मा इस्तेमाल किया है। देखिए ये बिल्कुल ही बारीक छोटा सा बर्मा है, आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद मैंने ये मेटल का बॉक्स ले लिया है और जो हमने ये टी बनाया है इसको थोड़ा सा 3-4 इंच ऊपर रख के इसमें मैं होल कर दूंगा, जिधर से मैं इसमें पैप क्रॉस करूँगा। देखिए मैंने एक बर्मा ले लिया है और इसमें से मैं होल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसमें होल कर दिया है और इसके बाद मैंने ये छोटे से पैप ले लिए, ये तकरीबन 1/2 इंच के हिसाब से मैंने ले लिए। अगर आपको ये नहीं मिलते तो आप गैस वाले जाम होते हैं उधर से भी आप ले सकते हैं, और इसके हिसाब से भी मैं होल कर दूंगा और इसके साइज का मैं बर्मा लेके इसमें होल कर देता हूँ। देखिए मैंने दोनों होल कर दिए हैं। अच्छा दोस्तों, इसके लिए मैं एक मेटल का स्टैंड बनाऊंगा जिधर हम ऑयल भी रखेंगे, अपना ब्लोअर होगा उसके लिए, और उसको सपोर्ट देने के लिए एक हम स्टैंड बनाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ मेटल के पीस ले लिए, एक बड़ी रॉड मैंने 1 फुट की और ये तकरीबन 9 इंच की, और दूसरा मैंने 5-5 इंच के इसके जो टांगे बनाएंगे वो है। अभी सारों को मैं वेल्डिंग करके इसको सारों को बना के फिर मैं आपको अच्छी तरह इसको समझाता हूँ। अच्छा दोस्तों, हमने इसको वेल्डिंग फिनिश कर दी है। देखिए मैंने एक पट्टी पर 2 इसके टांगे लगा दिए और ऊपर से एक रोड लगा दी और एक एक्स शेप का मैंने एक डिज़ाइन बना लिया कुछ इस तरह 2 पट्टियों को जोड़ के। अभी इसके ऊपर मैं इसको वेल्डिंग कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, कुछ इस तरह का हमने स्टैंड बना लिया जिस तरह देखिए आप, नीचे से दोनों मैंने इसकी टांगे लगा दी और सामने से एक रोड लगा ली जिसको सपोर्ट मिलेगी, और ऊपर से एक बड़ी रोड लगा के उस पर मैंने ये एक्स शक्ल का बनाया था उसको मैंने वेल्डिंग कर दिया है। अभी जो ऊपर होगा इस पर हम ऑयल रखेंगे, जो सामने से फ्रंट से ये रोड लगी हुई है ये इसको डायरेक्ट सपोर्ट करेगी, जो हमने चूल्हा है उसके साथ उसको वेल्डिंग कर देंगे, और नीचे से जो टांगे हैं उसको रोके रखेंगे। और
और ये हमारा पैंप, मैंने थोड़ा इसको ऊपर की साइड मोड़ लिया, जिस तरह देखे मैंने मोड़ करके फिर इसमें से थोड़ा सा एक पीस लगा लिया मेटल का, जिससे इसमें कुछ लीकेज नहीं हो, क्योंकि मैंने इसमें कट लगा के इसको मोड़ दिया था कुछ इस तरह ऊपर की साइड में। अच्छा दोस्तों, ये फर्नेस हमने बनाया था, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा, देखना, माशाल्लाह ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त वर्क कर रहा था। अभी हम इसको चूल्हे में तब्दील करेंगे। देखें नीचे भी मैंने इसमें दो होल कर लिए हैं, और एक छोटे पाइप के लिए और एक बड़े पाइप के लिए मैंने देखें दोनों होल कर दिए हैं। इसके बाद देखिए अंदर भी बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त क्लियर है। अच्छा दोस्तों, हम इसके अंदर अपना ये चूल्हा बनाएंगे जो वेस्ट ऑयल से चलेगा। इसके लिए मैंने अपना ये बॉक्स रख दिया है, और जो हमने ये टी बनाई थी इसको भी ऊपर रख देंगे, और जो इसके वो होल है ना वो हम ऊपर की साइड करेंगे, और जो हमने पाइप लिए थे इसमें दोनों में लगा के इसको फिक्स कर देते हैं। जो हमारा बड़ा पाइप होगा डायरेक्ट टी से जुड़ेगा, और जो छोटा पाइप होगा थोड़ा सा हम इसको लगा के इसमें लगा देंगे, फुल अंदर नहीं करेंगे, जो ऑयल का होगा उसको थोड़ा सा अंदर करेंगे। इसके बाद मैंने एक बर्तन ले लिया जिसपे हम इसमें सीमेंट लेंगे, मैंने रेत भी ले ली, उसके बाद सीमेंट होगा, इसका मिक्सचर बना लेते हैं, फिर हम इसको कवर कर लेंगे सीमेंट से, इसको भर देंगे। अब इसका मैं मसाला बना लेता हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसमें हम अच्छी तरह इसको मिक्स करके इसका अच्छा सा मसाला बना लेते हैं। देखिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें सीमेंट भर देता हूँ, और जितने तक हमने ये बॉक्स रखा है इतने तक हम इसमें सीमेंट भर देते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने इसमें सीमेंट भर दी है, इसके बाद मैं इसमें कलर कर देता हूँ। कलर मैं इसमें ब्लैक कलर करूँगा, और सामने सामने से थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देंगे कलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अच्छा दोस्तों, देखिए मैंने इसमें कलर कर दिया है, और कलर करने के बाद जो हमने स्टैंड बनाया था उसमें हम ये लगा देंगे। स्टैंड में आप थोड़ा सा इसमें होल कर सकते हैं, वो उस तरह भी ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि रॉड बारीक इस पर चली जाएगी, फिक्स होगा। और आप वेल्डिंग करना चाहते हैं आप इसमें डायरेक्ट वेल्डिंग कर सकते हैं। और छोटा सा मैंने ये कीमा ले लिया है, इसको हम अपनी ज़बान में कीमा बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा ले लिया है जिस तरह देखे, और उस पर मैंने एक नोज़ल भी फिट कर दिया है जिधर से हम ऑयल लेंगे जितनी हमें नीड होगी। और इसके बाद मैंने ये ब्लोअर बनाया था, इसकी थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई है, टूट फूट गया है, क्योंकि हमने इसको मोटर निकाला था, इस वजह से इसको तोड़ना पड़ा, फिर से मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अभी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त चलता है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा आई बटन में। इसके बाद देखिए मैंने ब्लैक बिल्कुल ही वेस्ट यूज़ ऑयल ले लिया है, जो हम अपनी मोटरसाइकिल से निकाल के या गाड़ियों से निकाल के मिस्त्री को दे देते हैं, वही मैंने ले लिया है। अभी मैं इसमें जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम इसमें निकाल लेंगे। देखिए पैन में डालूंगा, थोड़ा ये लेट पहुंचेगा, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे, थोड़ी सी, जैसे ये थोड़ी लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो इस पर आग नहीं पकड़ेगा, थोड़ी थोड़ी इस तरह चलती रहेगी। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभी इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, अभी इसको बंद कर देंगे। देखिए इस तरह बंद हो गया। अभी मैं इसमें सिफे जो होते हैं वो जो आपको टिश्यू पेपर, जिससे आग इसमें आसानी से और जल्दी लग जाए, इस तरह पहले हम इसमें आग लगाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसमें पेट्रोल यूज़ करते हैं जिसे जल्दी आग लगाए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे जैसे ही थोड़ा इसको आग पकड़े, फिर इसके बाद हम ब्लोअर चला देंगे, इस वजह से आग भड़केगी। देखिए मैंने इसमें ब्लोअर चला लिया है, थोड़ा इसमें लेट हो गया था इसलिए मैंने कट कर लिया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस वजह से देखें कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। अभी भी इसमें खास आग नहीं लगी, जब इसमें देखिए अभी तक इसमें आग में फुल मज़ा नहीं आ रहा, जब ब्लू आग लगेगी ना फिर इसमें मज़ा आएगा, वो थोड़ा इसमें लेट पकड़ेगी, पकड़ेगी ज़रूर, इंशाल्लाह इसमें आग लग जाएगी। अभी भी ज़बरदस्त काम कर रहा है, देखें कितनी ज़्यादा इसमें आग लग रही है। अच्छा दोस्तों, अब जो हमने ऑयल डाला था वो अच्छी तरह जल रहा है। अगर इसमें ऑयल कम होता है नहीं जलता, फिर आप इसमें दोबारा से थोड़ा थोड़ा डालते इस तरह जलता रहेगा। अगर आप फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो फिर आप इस पर कमेंट करें, मैं आपको फुल डिटेल दूंगा इसमें कितना ऑयल खाता है, वो किस तरह चलता है, और क्या इसमें आप खाना पका सकते हैं, क्या इसमें बदबू नहीं होगी। अगर फुल डिटेल चाहते हैं तो फिर मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।